हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अर्थ पर अगर आप दो मेटल्स को जोड़ना चाहते हो तो आपको यह करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। अर्थ पर हम वेल्डिंग की हेल्प से मेटल को फ्यूज करते हैं, लेकिन यही स्टोरी स्पेस में डिफरेंट हो जाती है। तो चलिए चलते हैं स्पेस में। 3 जून 1965 को एड वाइट स्पेस में चलने वाले पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बने। जब नासा ने जेमिनी 4 को स्पेस में भेजा, एड वाइट ने अपनी पहली स्पेस वॉक को बहुत इंजॉय किया। The flight director says get back in. Back in. Roger, we've been trying to talk to you for a while here. उनके लिए यह स्पेस वॉक तब एक बुरा सपना बन गई जब उन्होंने देखा कि वापस अंदर जाने वाले डोर का हैच खुल नहीं रहा, वो जाम हो चुका था। एड वाइट ने वापस अर्थ पर आकर कहा कि वो मोमेंट उनकी लाइफ का सबसे सैड मोमेंट था। ऐसा क्या था जिसके कारण हैच जाम हो गया था? साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करते हुए कोल्ड वेल्डिंग का नाम दिया। एक्चुअली स्पेस में अगर दो मेटल एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आती हैं तो दोनों मेटल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज कर लेती हैं बिना किसी हाई टेम्परेचर के। इसका कारण यह है कि स्पेस में एटम्स अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इसी को कोल्ड वेल्डिंग का नाम दिया गया। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि फिर ऐसा अर्थ पर क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर और वाटर प्रेजेंट हैं। अर्थ पर मिलने वाले सभी मटेरियल इस एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है जो कि किसी भी दो मटेरियल को आपस में कंबाइन होने से रोकती है। तो अगर आपने अब की सारी बातों को समझा है तो आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन होगा कि अगर स्पेस को भी मेटल्स कॉन्टैक्ट में आने पर जुड़ जाते हैं तो हमारे स्पेस स्टेशन के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब है, कोल्ड वेल्डिंग के लिए मेटल्स के सरफेसेस को भी बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, लेकिन हमारे स्पेस स्टेशंस में जो भी मटेरियल यूज होते हैं वो पूरी तरह से प्लेन नहीं होते, जिसके कारण वहाँ कोल्ड वेल्डिंग एप्लीकेबल नहीं हो पाती। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। स्पेस से जुड़े और फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।